बिहार के अंदर आपको बता दें कि 1994 में डीएम कृष्णैया की हत्या के बाद 2007 में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन नीतीश सरकार के एक फैसले की वजह से फिलहाल आनंद मोहन रिहा हो गए हैं। 15 साल उन्होंने जेल में काटे, लेकिन इस रिहाई के बाद बिहार के अंदर सियासी घमासान तेज हो गया है। जी हाँ, जहां एक तरफ नीतीश कुमार की आलोचना आईएएस एसोसिएशन की तरफ से भी की गई है, साफ तौर पर सभी का ये कहना है कि उनका ये फैसला कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जंगल राज को बढ़ावा देना है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव की तरफ से समर्थन किया गया है आनंद मोहन का। उन्होंने कहा कि ये पहला हत्याकांड तो नहीं है जिस पर इतना बोला जा रहा है, आखिरकार क्यों इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। 15 साल की सजा आनंद मोहन काट चुके हैं, ये उनके लिए सजा काफी है। और साफ तौर पर वो डीएम की पत्नी से भी, जी कृष्णैया की पत्नी से भी बात कहते हुए नजर आए कि उनको अब उनको माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो अपनी सजा भोग चुके हैं। अब ऐसे में ये देखना है कि नीतीश सरकार के इस फैसले का आने वाले चुनाव के अंदर बिहार के अंदर क्या रुख रहता है। जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, कहा यह जा रहा है कि तमाम चीजों को लेकर जो तमाम समीकरण है वो नीतीश कुमार की तरफ से फिट बिठाए गए हैं। ऐसे में समीकरण किस तरह से क्या सही साबित होते हैं या नीतीश कुमार पर हावी होते हैं, ये देखना होगा। नेटवर्क 10 को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद।